हयग्रीवं शब्दार्थ ज्ञानलब्धये अमृतात्मातमेघावं अमृताहरणं विभुं पांचरात्राघमाचार्यं वंदे वैकुंठभूपतिं खगासनं घृणाधारं ईदृशं सोमभूषितं अकलंकेन्दुसूर्याग्निं लक्ष्मीरूपमुपास्महे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगदाम्पती। स्वशेषभूतैर्मयाश्रियैः सर्वपरिचितैः विदातुं प्रीतमात्मानं देव प्रक्रमते स्वयं। शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं यदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। అందరూ ఒకసారి మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, ఇష్టదైవానికి, అలమేల్మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేల్మంగ వరద గోవిందాగు ప్రాణాయామం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్పముద్రలో కూర్చోండి. కుడి తొడపైన సంకల్పముద్రలో కూర్చోండి, లేదా నమస్కారం చేసుకుంటూ నేను చెప్పే సంకల్పం చేస్తాము, సంకల్పించుకోండి. శుక్లాంబరదనం విష్ణుం శశివర్ణం దదుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశ్శతం విఘ్నం నిఘ్నంతి హతం విశ్వక్సేనం తమ ఆశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. अस्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्ते श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुकरी उत्तर दिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यवहारिकजामध्रमाणेन प्रभवादि सृष्टिश्री विजयाभ्युदय नाम संवत्सरानामद्य मंगलकर क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतु आश्वयुजमासे बहुलभक्षे चतुर्दश्यां त्रयोदश्यां शुभदितो वासरहां ओम्यमासरयुक्तायां हस्तानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदितो श्रीभगवदाग्नया भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्यां। अंदरू मी ओक पेरु गोत्रमु इंट्लो वाळ्ळ पेर्लु अन्नी कूडा संकल्पं चेसुकोंडि स्मरिंचुकोंडि। एल्लारुंग पेरु गोत्रं नक्षत्रं
इलामे स्मरण बनिकोंगो, संकल्प बनिकोंगो। आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए। चपंडी मम क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तु वाहन अभिवृद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्व कार्यानु सर्व कार्यान अनुकूल प्राप्त्यर्थम विशेषतः मीरु ये संकल्पंतो अयिते ई ओक कल्याणोत्सवानि चेस्तुन्नारो आ संकल्पानि ओकसारि अम्मवारिकि विज्ञापनं चेसुकोंडि एदनाल निंग इंद कल्याणोत्सव तंड्रिलो अंद संकल्पते तायारिकि विज्ञापनं पण्णुंगो जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रही है उस कामना को एक बार माताजी को विज्ञापन कीजिए। चपंडी मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः नित्य कल्याण महोत्सव आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये। अंदर ओकसारे स्वामी अम्मवारी चेतुलेत्ति दंडम पेट्टंडि। अलमेल मंग वरद गोविंद ॐ सरसि जनिलयायै नमो नमः। शुभोदयं। क्षेमान्नि कलिगिंचेटुवंटि श्री क्रोधिनाम संवत्सरं दक्षिणायनं శరదృతు விலங்குபவளும் இப்பிரபஞ்சத்தின் உயரிய கடவுளாக தாய்மை தெய்வமாக விலங்குபவளுமாகிய மகாலட்சுமியை வணங்குகிறேன் என்று பக்தர்களே, தாயாரை சேவித்துக் கொண்டு அவளுடைய திருவடிகளை அடிபணிந்து இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்கலாம். திருச்சானூர் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிரகாரத்தில் கோவிலில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் ஸ்ரீநிவாசனை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக அந்த தாயார் ஆனவள் இதோ தங்க சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறாள். முதலில் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம். மகாலட்சுமி என்றாலே மங்களம்தான் அல்லவா? செல்வத்திற்கு மட்டுமின்றி அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என அனைத்திலும் இவளின் இன்றருள் ஒன்றினாலேயே அடைகிறோம். அப்படி நமக்கு எல்லா பலன்களையும் அருள்பவன் எம்பெருமான் என்பதை சாஸ்திரங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கின்றன. தோஷம் என்னும் குறை ஏதும் இல்லாத கோவிந்தன் அவன். அத்தகைய அவனுக்கே மகிமை அளிப்பவளாகவும் திருமால் என்று தனது சம்பந்தத்தினால் பெயரை கொண்டவனாகவும் விளங்கச் செய்பவள்தான் அந்த மகாலட்சுமி பத்மாவதி தாயார். ஸ்ரீநிவாசன் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால், ஸ்ரீ என்பது இவளின் மகிமை மிக்க திருநாமம். இவளோ வேறி மாறாத பூமேல் விளங்கும் அலர்மேல் மங்கை அல்லவா? அத்தகையவள் அவனது திருமார்பினில்தான் அமர்ந்திருக்கின்றாள் என்பதால் அவன் பெருமாள் ஸ்ரீநிவாசன் திருமகள் உரை மார்பான் என்றே பக்தர்களால் கொண்டாடப்படுகின்றார் அன்று. இவ்வளவு பெருமை பெற்றவளின் திருக்கல்யாண குணங்களை பாடும் பல ஸ்தோத்திரங்கள் உள்ளன. அதில் ஸ்ரீசுக்தம் என்னும் வேத பாகத்தை அடியொற்றியே அவற்றின் அர்த்தங்களை விளங்கும் அழகிய ஸ்தோத்திரங்கள் உள்ளன. ஸ்ரீசுக்தம் என்னும் வேத பாகத்தை அடியொற்றி அவற்றின் அர்த்தங்களை விளங்கும் அழகிய ஸ்தோத்திரங்களை நமது ஆச்சாரியர்கள் அருளி செய்துள்ளனர். முதன் முதலில் ஆளவந்தார் அருளிய சதுத்லோகி என்னும் நான்கே ஸ்லோகம் கொண்ட ஸ்தோத்திரம் நான்கு வேதங்களின் சாரம் என்பார் பெரியோர்கள். பின்னர் பகவத் ராமானுஜர் கத்யம் என்னும் நூலில் அருளிய ஸ்ரீபிராப்தி, அவரது சீடர் கூரத்தாழ்வான் இயற்றிய ஸ்ரீ சத்வம்,
அப்படிப்பட்ட அந்த மகாலட்சுமி தாயாரனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை இதோ நாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டு அந்த தாயாரை சரணாகதி அடைவோம். ஸ்ரீ என்றால் மகாலட்சுமி, குணம் என்றால் அவளின் திருக்கல்யாண குணங்கள், கோசம் என்றால் பேழை, பெட்டி என்பது பொருள். தாயாரின் பெருமகளை தனக்கத்தே கொண்டுள்ள அழகிய பேழை என்பதால் இந்த நூல் கூறப்படுகின்றது. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை இதோ நாம் சேவிப்போம். ஸ்வேதாம்பரதரே தேவி நானாலங்கார பூஷித்தே ஜகத் சிதித்தே ஜகன் மாதா மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று சேவிப்போம். ஸ்வஸ்த்யா வருணஸ்ஸமீச்சயா ராஜா புனாது மா
ृणीमहे स्वस्तिरस्तु नस्तेर्माणुषेभ्यर्ध्वजिगातुभेषज सन्नो अस्तद्विपदे चतुष्पदे शान्ति शान्ति शान्तिः। दध्येति दधेभ्यः स्वाहा नोभ्यामिधनोभ्यां स्वाहा ओष्ठाभ्यां स्वाहा मुखाय स्वाहा नासिकाय नासिकाभ्यां स्वाहा अक्षिभ्यां स्वाहा कर्णे क्षवः अवार्येभ्यः वक्ष्मभ्येति वक्ष्म कर्णाभ्यां स्वाहा वारे क्षवः वार्येभ्यः वक्ष्मभ्येति वक्ष्माभ्यः स्वाहा अवारे क्षवः वार्येभ्यः वक्ष्मभ्येति वक्ष्माभ्यः स्वाहा शीर्ष्णे स्वाहा भ्रोभ्यः स्वाहा ललाटाय स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा मस्तिष्काय स्वाहा केशेभ्यः स्वाहा महाय स्वाहा ग्रीवाभ्यः स्वाहा सन्धेभ्यः स्वाहा गिगसाभ्यः स्वाहा वृष्टिभ्यैति वृष्टिभ्यः स्वाहा पार्श्वाय स्वाहा पार्श्वाभ्यां स्वाहा अगुंसाभ्यः स्वाहा दोषभ्यामिति दोष स्वाहा बाहुभ्यामिति बाहुभ्यां स्वाहा जङ्घाभ्यां स्वाहा श्रोणीभ्यामिति श्रोणीभ्यां स्वाहा ऊरुभ्यामित्यूरुभ्यां स्वाहा अष्टि
श्रीमद्भ्याम स्वाहा जंघाभ्याम स्वाहा भसदे स्वाहा शिखंडेभ्य स्वाहा बालदानायेति बालदानाय स्वाहा आंडाभ्याम स्वाहा सेवाय स्वाहा रेतसे स्वाहा प्रजाभ्यैति प्रजाभ्य स्वाहा प्रजननायेति प्रजननाय स्वाहा पद्भ्यैति पद्भ्य स्वाहा सभेभ्य स्वाहा लोमभ्यैति लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मागुंसाय स्वाहा स्नावभ्यैति स्नावाभ्य स्वाहा अत्सभ्यैत्यत्सभ्य स्वाहा मज्जभ्यैति मज्जाभ्य स्वाहा अंगेभ्य स्वाहा आत्मने स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा अञ्जेतायेत्यञ्जेताय स्वाहा अञ्जसक्तायेत्यञ्जे स्वाहा श्रीपदायति श्रीपदे स्वाहा श्रीकाकुदायति श्रीकाकुदे स्वाहा श्रीरन्ध्रायेति श्रीरन्ध्राय स्वाहा श्रीपृष्ठायेति श्रीपृष्ठाय स्वाहा पुष्पकंसायेति श्रीअकुंसाय स्वाहा पुष्पकंसायेति श्री ष्ठाय स्वाहा इति सिद्धि भवे स्वाहा सिद्धि भसद इति सिद्धि भसदे स्वाहा श्वेतानुगासाय पुष्पकर्णायेति पुष्पकर्णाय स्वाहा सिद्ध्योष्ठायेति सिद्धिोष्ठाय स्वाहा सिद्धिभ्रव इति सिद्धिभ्रवे स्वाहा सिद्धिभसद इति सिद्धिभसदे स्वाहा श्वेतानुकाशायेति श्वेतानुकाशाय स्वाहा अञ्जये स्वाहा ललामाय स्वाहा असितज्ञव इत्यसितज्ञवे स्वाहा कृष्णैतायेति कृष्णायेताय स्वाहा रोहितैताय रोहिता एताय स्वाहा अरुणैतायेत्यरुणा एताय स्वाहा कीदृशाय स्वाहा कीदृशाय स्वाहा तादृशाय स्वाहा सदृशाय स्वाहा विसदृशायेति विसदृशाय स्वाहा सुसदृशायेति सुसदृशाय स्वाहा रूपाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहा विसंगाय स्वाहा सारंगा स्वाहा अरुणाय स्वाहा गौराय स्वाहा बभ्रवे स्वाहा नकुलाय स्वाहा रोहिताय स्वाहा द्रोणाय स्वाहा श्यावाय स्वाहा श्यामाय स्वाहा पाकलाय स्वाहा स्वरूपायेति स्वरूपाय स्वाहा अनुरूपायेत्यनुरूपाय स्वाहा विरूपायेति विरूपाय स्वाहा सरूपायेति सारूपाय स्वाहा प्रतिरूप प्रतिरूपाय स्वाहा सबलाय स्वाहा कमलाय स्वाहा प्रश्नये स्वाहा पृष्ठचक्रायेति प्रश्ने स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा ओषधिभ्यैत्योषधिभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा तूलेभ्यः स्वाहा काण्डेभ्यः स्वाहा वलसेभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा अगृहीतेभ्य स्वाहा अवमन्नेभ्यैत्यवामनेभ्य स्वाहा शयानेभ्य स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा वनस्पतिभ्यैति वनस्पतिभ्यः स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्कन्धोभ्यैति स्कन्धाभ्य स्वाहा शाखाभ्य स्वाहा पर्णेभ्य स्वाहा पुष्पेभ्य स्वाहा फलेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा अगृहीतेभ्य स्वाहा अवमन्नेभ्यैत्यवामनेभ्य स्वाहा शयानेभ्य स्वाहा शिष्टाय स्वाहा अतिशिष्टायेत्यति स्वाहा परिशिष्टायेति परिशिष्टाय स्वाहा सगुणशिष्टायेति स सृष्टाय स्वाहा रिक्ताय स्वाहा अरिक्ताय स्वाहा प्ररिक्तायेति प्ररिक्ताय स्वाहा सगमरिक्तायेति संरिक्ताय स्वाहा उद्रिक्तायेत्युदुरिक्ताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा।
बृहस्पति अकामयतास्वदेवे देवाः दधिरन् यच्छेयं पुरोधामिति पुरहाधामिति सायेतायं चतुर्विंशति रात्रमिति चतुर्विंशति रात्रम् अपश्यते तां येति अहरते तेन यजता ततः वै तस्मै शत देवाः अदधागच्छते पुरोधामिति पुरहाधाम् ये एवं विद्वांसा चतुर्विंशति रात्रमिति चतुर्विंशति रात्रम् आसते श्रुते येभ्यः मनुष्याः देहे गच्छन्ति पुरोधामिति पुरहाधाम् ज्योतिः गौः आयुः इति भवन्ति यां वा ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः इमान् एव लोकान् अभ्यारोहन्तीत्यभिरोहन्ति अभिपूर्वमित्यभिपूर्वं ह्यः इति त्रि अहाः भवन्ति अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् एव सुवर्गमिति सुवाहागं लोकान् अभ्यारोहन्तीत्यभिरोहन्ति असत्रम् वै एतत् यद् अछन्दोममित्यछन्दः मां यद् छन्दोमः इति छन्दः माः भवन्ति तेन सत्रं देवताः एव पृष्ठैः अवेति रुन्धते एव सोने छन्दोपैरिति छन्दः मयि ओजः वै वीर्यमपृष्ठानि वसवः छन्दोमा इति छन्दः माः ओजसि एव वीर्ये वसुषु प्रीति तिष्ठन्ति बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहत् रथन्तराभ्यां यन्ति यं वा रथन्तरमिति रथं तरम् असौ बृहत् भ्याम् एव यन्ति अथो इति अनयोः एव प्रदिति तिष्ठन्ति एते इति वै यज्ञस्य अञ्जसायनि इत्यञ्जसा अयने श्रुतीति ताभ्याम् एव स्वर्गमिति सुभाग लोकायं यन्ति चतुर्विंशति रात्र इति चतुर्विंशति रात्रः भवति चतुर्विंशतिरिति चतुः अर्धमासा इत्यर्थमासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः सुवर्ग इति सुभागा लोकः संवत्सर इति संवत्सरे एव सुवर्ग इति सुभागे लोके प्रति तिष्ठन्ति अथो इति चतुर्विंशत्यक्षरे चतुर्वि ंसति अक्षराः गायत्री गायत्री ब्रह्मवक्षसमिति ब्रह्मवक्षसं गायत्र्याः एव ब्रह्मवक्षसमिति ब्रह्मवक्षसम् अवेति रुन्धते अतिरात्रामित्यति रात्रौ अभितः भवतः ब्रह्मवक्षसस्येति ब्रह्मा वक्षसस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै यथा वै मनुष्याः एवं देवाः अग्रे आसन्ते अकामयन्ता अवर्ते पाप्मानम् मृत्युम् अपहत्येत्यपहत्य संसदमिति संसदम् क्षेमा इति एतां चतुर्विंशति रात्रमिति चतुर्विंशति रात्रम् अपश्यन्नेतां येति अहरण्येतेन अयजन्त ततः वै ते अवर्ते पाप्मानम् मृत्युम् अपहत्येत्यपहत्य दैवीं सकंसदमिति संसदम् अगच्छन्ने एवम् विद्वांसा चतुर्विंशति रात्रमिति चतुर्विंशति रात्रम् आसते अवर्तिम् एव पाप्मानम् अपहत्येत्यपहत्याश्रियम् गच्छन्ति श्रीः मनुष्यस्य दैवी सकंसदिति सांसद् ज्योतिः अधिरात्र इत्यति रात्रः भवति सुवर्गस्येति सुवाहागस्य लोकस्य अनुख्याच्या इत्यनुख्याच्छ्या षडः इति षट् अहः भवति षट् वै तवः संवत्सर इति संवत्सरातमासाः अर्धमासा इत्यर्धमासाः ऋतवः प्रविश्येति प्राविश्य दैवी सकंसदमि
सर्वं सदम अगच्छन्ने ये एवं विद्वागम सा चतुर्विगम सति रात्रमिति चतुर्विगम सति रात्रम आसते संवत्सरमिति संवत्सरम एव प्रविश्येति प्राविश्यावश्यसि सकं सदमिति सं सदम गच्छन्ति त्रयः त्रयस्त्रिकं सा इति त्रयः अवस्थादे भवन्ति त्रयः त्रयस्त्रिकं सा इति त्रयः त्रिकंसाः परस्तादे त्रयस्त्रिकंसैरिति त्रयः एव उभयतः अवर्ते पाप्मानम् अपहत्येत्यपहत्य दैवीं सकं सदमिति सं सदम मध्यतः गच्छन्ति पृष्ठानि हि दैवी सकं मी वै एतते कुर्वन्ति यते त्रयः त्रयस्त्रिकंसा इति त्रयः त्रिकंसाः अन्वञ्चः मध्ये अनिरुक्त इत्यनि उक्तः भवति तेन अजामि ऊर्ध्वानि वृक्षाणि भवन्ति ऊर्ध्वाः छन्दो मा इति छन्दः उभाभ्याम् रूपाभ्याः सुवर्गमिति सुवर्गम् लोकां यन्ति अधत्रां वै एतदे यत् अछन्दो ममित्यछन्दः मां यत् छन्दः भवन्ति तेन सत्रां देवताः एव पृष्ठैः अवेति रुन्धतेः वसो छन्दो मयिरिति छन्दः मयिः ओजामै वीर्यं पृष्ठानि वसवः छन्दो मा इति छन्दः माः ओजसि एव वीर्ये वसजो त्रयस्त्रिकंसा इति त्रयः त्रिकंसाः अवस्थाः ते भवन्ति त्रयः त्रयस्त्रिकंसा इति त्रयः त्रिकंसाः परस्ताः ते मध्ये पृष्ठानि पुरा वै त्रयस्त्रिकंसा इति त्रयः त्रिकंसाः आत्मा पृष्ठानि आत्मने एव तत् यजमानाः सर्व नक्यन्ते अनाते रथन्तराभ्याम् यन्ति यां वा रथन्तरमिति रथान्तरम् असौ बृहद् आभ्याम् एव यन्ति अथ इति अनयो एव प्रतीति तिष्ठन्ति एते इति वै यज्ञस्य अञ्जसा यह्नि इत्यञ्जसा अयनि श्रुतिदिताभ्याम् एव स्वर्गमिति सुवाहागां लोकां यन्ति पराञ्जः वै एते स्वर्गमिति सुवाहागां लोकाम् अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति ये प्राचीनानि पृष्ठानि उभयन्तीत्युभायन्ति प्रत्याङ्ग षडः इति षट् भवति प्रत्यवरोढ्या इति प्रति अवरोढ्यै अथो इति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यैः उभयोः लोकयोः रुद्ध्वा तिष्ठन्ति त्रिवृथगि त्रिवृतः अधीति त्रिवृतमिति त्रिवृतम् वेदयन्ति सोमानां भवायेति प्राभवाय ज्योतिः अग्नि सोमैत्यग्ने सोमः भवति अयं वासः क्षयः अस्मात् एव तेन क्षया तेन यन्ति चतुर्विंशति रात्र इति चतुर्विंशति रात्रा भवति चतुर्विंशति ऋतुः अर्धमासा इत्यर्धमासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः सुवर्ग इति सुवागः लोकः संवत्सर इति संवत्सरे एव स्वर्ग इति सुवाहागे लोके प्रतीति तिष्ठन्ति अथो इति चतुर्विघं प्रत्यक्षरे चतुर्विघं प्रति अक्षरः गायत्री गायत्री ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं गायत्रिया एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धते अधिरात्रामित्यति रात्रौ अभितः भवतः ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनि धनं देहि श्रियं देहि सर्व காமாஸ்ச தேஹிமே என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரை சேவித்து கொண்டு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது கன்னிகா தானம் என்கிற மங்களமகரமான கைங்கரியம். பக்தர்களே, பாசத்தில் சிறந்தது தாய் பாசம். தவறு செய்யும் தனது குழந்தையை
கணவரிடம் காட்டி கொடுத்து அவனால் தண்டனை பெறுவதை தவிர்க்க எப்படி ஒரு சாதாரண தாய் முயலுவாளோ அதுபோல உலகத்திற்கே தாயான மகாலட்சுமி நம் பாபங்களை மன்னிப்பதோடு அல்லாமல் திருமாலிடம் நமக்காக நாம் செய்யும் மலையளவு பாவத்தை கடுகலகாக காட்டியும் கடுகளவு நல்ல செயலை மலை போல் காட்டியும் நமக்கு நன்மை செய்யுமாறு பரிந்துரைக்கிறாள். இதையேதான் புருஷக்காரம் என்று சொல்லுவார்கள் பெரியோர்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் தாய்மை குணத்திற்கு அளவே கிடையாது. தாய்மைக்கே உண்டான கருணையோடு நம் ஒவ்வொருவரையும் எப்பொழுதும் காக்கிறாள் அந்த பத்மாவதி தாயார். தன் பக்தியாலும் பேரின்பினாலும் எம்பெருமானின் சீற்றத்தை முற்றிலும் நீக்கி அவரை அருள் புரிய வைக்கிறாள். இவ்வாறு பக்தர்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக பிராட்டி செயல்படுவதை விளக்குவதே ஸ்ரீ என்ற திருநாமம். லக்ஷ்மி என்னும் சொல் அனைவரையும் தனது குளிர்ந்த பார்வைக்கு இலக்குபவள்தான் என்று பொருள்படுமாம். பக்தர்களே, பார்க்கடல் அரசனுக்கு மகளாக தோன்றி பார்க்கடலை கடையும் பொழுது அதிலிருந்து ஐராவதம், காமதேனு, சந்திரன், கற்பக விருட்சம், அமிர்தம் வெளிவந்த போது ஸ்ரீ மகாலட்சுமியும் பூ மாலையோடு வந்து திருமாலை மணந்து கொண்டதால் அன்று முதல் திருமால் லக்ஷ்மி நாராயணன், லக்ஷ்மி நரசிம்மர், லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர் என்று போற்றுகிறாள். செல்வத்துக்கு அதிபதியாகவும் அதை கொடுப்பவளாகவும் திகழ்பவள்தான் மகாலட்சுமி தாயார். அந்த மகாலட்சுமி தாயாரை இதோ சேவித்து கொண்டு இன்றைய அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை பத்மாவதி தாயாரினுடைய வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். சித்தி புத்தி பிரதே தேவி, புக்தி முக்தி பிரதாயினி, மந்திரமூர்த்தி சதா தேவி, மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று, அதாவது நாம் நம் வாழ்க்கையில் சாதனைகள் புரிந்து நல்ல முறையில் வாழ நல்ல புத்தியை அளிப்பவள் அந்த தாயார்தானே. ஜமதி வீராஜம் அவேதி அருந்தே ஓஷதி மனஸ்பதி பசோ ஜெயமானம் மகிமானம் கச்சந்தி ஜோதி திராத்ரைத்யதி ராத்ரா பவதி சுவர்க்ஸ்யேதி சுவா லோகஸ்ய அனுக்யாத்யா இத்யனுக்யாத்யே ருஷ்யா சலஹ இதி ஷட் அஹஹ பவதி ஷட் வை ரதமஹ ஷட் பிருஷ்டானி பிருஷ்டை ஏவ ரதோ அன்வாரோ ஹந்தி இத்யனோ ஆரோ ஹந்தி ஏதோ பேதே இத்யதோ சம்வத்சரமிதி சம்வத்சரம் தே சம்வத்சர இதி சம் ஏவ ஏதி ரபந்தே பிரதிஷ்டித்யா இதி பிரதி ரிணவ இதி த்ரிணவ பவ
इत्यग्ने सुद भवन्ति पाप्मानो एव तेना निर्दि दहन्ते अथो यदि तेजः वै त्रिवर्धति त्रिवर्धते तेजः एव आत्मन् दधते पञ्चदश इति पञ्चदशः स्वापि इन्द्रस्तो महाभवति इन्द्रियम् एव अवेति रुन्धते सप्तदश इति सप्तदशः भवति अन्नात्यश्चेत्यन्ना अद्यस्यावरुध्या इत्यवारुध्यै एव तेन जायन्ते एकविकंस इत्येकाविकंसः भवति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अथो इति रुचौ एव आत्मन् दधते चतुर्विकंस इति चतुः विकंसः भवति चतुर्विकंसतिरिति चतुः अर्धमासा इत्यर्धमासाः संवत्सर इति संवत्सर इति संवत्सरः स्वर्ग इति सुवाहागः लोकः संवत्सर इति संवत्सरे एव स्वर्ग इति सुवाहागे लोके अथो इति एषः वै विशोवान् इति विशोवान् विशोवन्त इति विशोवन्तः भवन्ति ये एवं विद्वागुंसः एताः आसते चतुर्विगुंसादिति चतुः विगुंसात् पृष्ठानि उपेति यन्ति संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतिष्ठायति प्रतिष्ठाय देवताः अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति त्रयस्त्रिगुंसादिति त्रयः त्रिगुंसात् त्रयस्त्रिगुंसमिति त्रयः त्रिगुंसाम् उपेति यन्ति त्रयस्त्रिगुंसदिति त्रयः त्रिगुंसते वै देवताः देवताः देवतासु एव प्रतीति तिष्ठन्ति तृणवैति त्रिणवः भवति मे वै लोकाः तृणवैति त्रिणवः येषु एव लोकेषु प्रतीति तिष्ठन्ति द्वौ एकविगुंसामित्येकाविगुंसौ भवतः प्रतिष्ठित्या दिप्रतिष्ठित्यै अथो इति रुचौ एव आत्मन् दधते बहवः षोडशिनः भवन्ति तस्मादे बहवः प्रजास्विति प्रजासु विषाणः एते स्तोमाः व्यतिशक्ता इति वि अतिशक्ताः भवन्ति तस्मात् इयम् ओषधिभिरित्योषधिभिः वनस्पतिभिरिति वनस्पतिभिः व्यतिशक्तेति वि अतिशक्ता व्यतिषज्यन्त इति वि अतिषज्यन्ते प्रजयति राजगाः पशुभिरिति पशुभिः ये एवं विद्वागुंसः एताः आसते अकल्प्ताः वै एते सुवर्गमिति सुवाहागाम् लोकां यन्ति उच्चावचान् हि स्तोमान् उपयन्तीत्युपयन्ति यदे ऊर्ध्वाः क्लुप्ताः स्तोमाः भवन्ति क्लुप्ताः एव सुवर्गमिति सुवाहागाम् लोकां यन्ति उभयोः येभ्यः लोकयोः कल्पते त्रिगुंसदे एताः त्रिगुंसदक्षरेति त्रिगुंसदे अक्षराः विराडिति विराट् अन्नम् विराडिति विराट् विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेति रुन्धते अतिरात्रावित्यति रात्रौ अभिधाः भवतः अन्नाद्यस्येत्यन्ना अद्यस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै प्रजापतिरिति प्रजापतिः सुवर्गमिति सुवाहागौ लोकम् ऐतितं देवाः येन येनेति येन येन छन्दसा अनुप्रीति अयुञ्जत तेन न आप्नुवन् ते एताः द्वात्रिकं सदां रात्रिः अवश्यन् द्वात्रिकं सदक्षरेति द्वात्रिकं सदे अक्षरा आनुष्टुगित्यानोऽस्तुक आनुष्टुभैत्यानोऽस्तु वा प्रजापतिरिति प्रजापतिः स्वेन एव छन्दसा प्रजापतिमिति प्रजापतिम् आत्वा अभ्यारुह्येत्यभि आरुह्य सुवर्गमिति सुवहागा लोकम् आयन्ने ये एवं विद्वागुंसः एताः आसते द्वात्रिकं सदे एताः द्वात्रिकं सदक्षरेति द्वात्रिकं सदे अक्षराः अनुष्ट
स्थगितानस्तु आनुष्ट भगितानस्तु महाप्रजापतिरिति प्रजापतिः सेना एव छन्दसा प्रजापतिमिति प्रजापतिः आप्त्वा श्रियं गच्छन्ति श्रीः मनुष्यस्य सुवर्ग इति सुभागः लोकः सात्विकं जते एताः द्वात्रिकं सदक्षरे द्वात्रिकं सदे अक्षराः अनुष्टगित्यानस्तु वाग् अनुष्टभित्यानस्तु सर्वामेव वाचम् आप्नुवन्ति सर्वे वाचः अधितारः सर्वे हि श्रियं गच्छन्ति ज्योतिः गौः आयुः इति त्र्याः भवन्ति ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः इमान् एव लोकान् अभ्यारोहन्ति इत्यभि आरोहन्ति अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् ह इति त्रि अहाः भवन्ति अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् एव स्वर्गमिति स्वाहागा लोकम् अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति बृहद् रथन्तराभ्यामिति बृहद् रथन्तराभ्याम् यन्ति यां वा रथन्तरमिति रथान्तरा असौ बृहद् आभ्याम् एव यन्ति अथो इति अनयोः एव वै यज्ञस्य अञ्जसायनि इत्यञ्जसा अयनि सुतीताभ्याम् एव स्वर्गमिति स्वाहागं लोकं यन्ति पराञ्जः वै एते स्वर्गमिति स्वाहागं लोकम् अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति ये पराजः त्र्यहानिति त्रि अहान् उपयन्तीत्युप प्रत्यङ् त्र्यः इति त्रि अहः भवति प्रत्यवरोढ्या इति प्रति अवरोढ्यै अथो इति प्रतिष्ठित्यैः उभयोः लोकयोः रद्ध्वा उदिति तिष्ठन्ति द्वात्रिकंसदे एताः रसाम्याः त्रिकंसदे त्रिकंसदक्षरे त्रिकंसदे अक्षराः विराट् विराट् अन्नम् विराट् विराट् विराजेत् विराजाः एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेति रुन्धते ये इति द्वे इति अहोरात्रे इत्यहः रात्रे एव ते इति उभाभ्याम् उभाभ्याम् स्वर्गमिति स्वाहागा लोकम् यन्ति अधिरात्रामित्यधि रात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै द्वे इति भावा देवसत्रे इति देवसत्रे द्वादशाः इति द्वादशाः सौन्दर्य लक्ष्मी नमस्तेऽस्तु सर्व अलङ्कार शोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्व कामांश्च देहिमे என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரை சேவிப்போம் பக்தர்களே இதோ அந்த பத்மாவதி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த திருமாங்கல்யங்களை முதலில் மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி பின்பு அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமணம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மங்களகரமான திருமாங்கல்யங்களை தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணே சுந்தராங்கம்தான் என்றால் அவரது திருமார்பில் வீற்றிருந்து அவரது பேர் அழகினை இன்னும் அழகு கூட்டுகிறாள் அந்த தாயார் நீண்ட கார்மேகத்தின் நடுவில் மின்னல் ஒளிர்வது போல நீல மேக ஷியாமலின் திருமார்பில் செந்தாமரை நிறுத்தினாலான லக்ஷ்மி ஸ்ரீவத்சம் என்கிற மருவை பீட்டமாக கொண்டு அமர்ந்து எம்பெருமானின் திருமேனிக்கு அழகையும் சோபையையும் சேர்க்கிறாள் என்பதைதான் சுவாமி தேசிகன் தாயாரை குறித்து அருளிய ஸ்ரீஸ்துதியில் விளக்குகிறார் மது என்னும் அசுரனை வெற்றி கொண்டு மங்கள பொருட்களுக்கு மங்களம் தன்மையை அளிப்பவள் பெருமாளின் திருமார்பில் தனது ஒளியால் அழகுறச் செய்பவள் இம்மை மருமைகளைச் சேர்ந்த செல்வங்களை வேண்டுகின்ற மக்களுக்கு நன்மையை வடிவாக கொண்டு சரண் அடைந்தவர்களை காப்பவளாய் ஸ்ரீ என்கிற திருநாமம் உடையவளாய் உள்ள உன்னை சரண் அடைகிறேன் என்கிறார் தேசிகன் திருப்பார் கடலில் அவதரித்தவளும் யாக சாலையிலும் தாமரையிலும் திருமார்பில் உடையவளும் ஸ்ரீ வைகுண்டத்து செல்வ நாயகிய எல்லையற்ற குணங்களை உடைய ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை துதிக்கிறார் பக்தர்களே லக்ஷ்மி பத்மா கடலின் புதல்வி விஷ்ணு பத்னி இந்திரே என்று வேதங்களுக்கு
மூலத்தனமாய் உள்ள திருநாமங்களை சொல்வதால் பாப்பங்களை நீக்கி இனி பிறவி இல்லாமல் இருக்க செய்பவனை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே ஈஸ்வரியாக இருக்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம்.
लोकेशु प्रीति दिच्छन्ति असोगिति त्रीणि वै यज्ञस्य इन्द्रियाणि तानि एव अवेति रुन्धते विश्वजिदिति विश्वजिदे भवति अन्नाजस्येत्यन्नाजस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यैः सर्वभृष्टैः सर्वभृष्टः भवति सर्वस्याभिजित्या इत्यभिजित्यै वाक् वै द्वादशाः इति द्वादशाः पुरस्तात् द्वादशाहमिति द्वादशाः उपेयुरित्युपायोः अनाहां वाचम् उपेति योः पदासुकेत्युपादासुका येषां वाग् स्यात् उपरिष्टात् द्वादशाहमिति द्वादशाः उपेदीयन्ति आप्ताम् एव वाचः उपेदीयन्ति तस्मात् उपरिष्टात् वाचा वदामः अवान्तरमित्यान्तरं वै दशरात्रेणेति दशरात्रेण प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायत दशरात्र इति दशरात्रः भवति प्रजा इति प्राजाः ये वाटतेजमानाः सृजन्ते एता वै उदङ्गः शौल्पायनः सत्यस्यारुध्यमः उवाचायत दशरात्र इति दशरात्रः यत् दशरात्र इति दशरात्रः भवति सत्यस्यारुध्यै अथो इति यत् एव पूर्वेषु स्वेत्याह विलोमेति विलोमा क्रियते तस्य एव एषा शान्तिः द्व्यनीका इति द्वि अनीकाः वै एताः आत्मजः यजमानाः विश्वजिदिति विश्वजिते सः अधिरात्रेणेत्यधिरात्रेण पूर्वा आह षोडशा सः अधिरात्रेणेत्यधिरात्रेण उत्तरा इत्युतराः षोडशा एव विद्वागंसः त्रयस्त्रिगंशदहमिति त्रयस्त्रिगंशदे अहम् आसते येति येषाम् अनीकेति द्वि अनीका प्रजेति प्राजा जायते रात्रा विद्यति रात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै आदित्याः अकामयन्त वर्गमिति सुवहागम् लोकम् इयम इति ते सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् न प्रेति अजानन्ने न सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् आयन्ने के एवं विद्वांसः क्षत्रिकंशद्रात्रमिति क्षत्रिकंशद्रात्रमिति क्षत्रिकंशदेरात्रम् अपश्यन्नेतं येति अहरन्नेतेन अयजन्त वै प्रयच्छ प्रयच्छ